आज हम एक बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर मौसम चलने वाला है। हालांकि गर्मियों का सीजन शुरू होते ही ये एक और मुनाफे वाला बिजनेस साबित हो जाता है। जी हाँ, आज हम बात करें जूस की दुकान खोलकर बिजनेस करने के बारे में। फ्रूट जूस का बिजनेस करने के लिए दो तरीके हैं। इनमें से ताजा जूस बेचने के लिए किसी बिजी मार्केट में जूस की दुकान खोली जाए और दूसरा तरीका जूस की प्रोसेसिंग करके पैकेजिंग करके मार्केट में बेचा जाए। पहले तरीके में तो दुकानदार एक सीमित क्षेत्र में अपनी दुकान से बिजनेस कर सकता है, जबकि दूसरे तरीके में बिजनेस करने वाला भारत में कहीं भी अपना माल बेच सकता है। इसके साथ ही भारत में कहीं भी अपनी फ्रेंचाइजी भी खोलकर बिजनेस किया जा सकता है। दुकान की सही लोकेशन तलाशें। आपको ऐसी जगह दुकान खोलनी होगी जहां पर जूस के ग्राहक अधिक आते हों और वहां पर बिजली पानी आदि की व्यवस्थाएं हों। आपको ऐसी दुकान चुननी होगी जहां पर पहले छोटे प्लांट और मशीन से काम शुरू किया जा सके और भविष्य में यदि बड़ा प्लांट लगाना हो तो वो भी लगाया जा सके, क्योंकि एक बार आपकी दुकान सेट हो गई तो लोगों के बीच आपका प्रोडक्ट हिट हो गया तो आपको रोज रोज दुकान बदलने की जरूरत नहीं। एक बार कस्टमर आपकी दुकान में सेट हो गया तो फिर दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा। दुकान का नाम भी सोच समझ के रखें। बजट प्लान बन जाने के बाद आपको अपनी दुकान का नाम तलाशना है। आपकी दुकान का नाम ऐसा होना चाहिए कि जो सभी लोगों के बीच लोकप्रिय हो और आसानी से लिया जा सके। बेहतर हो कि आप अपनी दुकान का नाम रखते वक्त धर्म जाति से बचें, क्योंकि आपको तो अपना प्रोडक्ट सभी लोगों को बेचना है। कोई ये न समझे कि आप किसी खास धर्म या जाति का पक्ष लेने वाले हैं या उसके प्रति अंधविश्वास रखने वाले हैं। पंजीकरण और लाइसेंस। सबसे पहले तो आपको अपनी दुकान के नाम का रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद आप अपने दुकान के नाम से अपने प्रोडक्ट का FSSAI से लाइसेंस ले लें। इसके बाद अपनी दुकान का गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST में रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। इसके अलावा यदि आप किसी नगर या महानगर में अपनी दुकान खोलते हैं और आपका प्रोडक्ट मनुष्य के स्वास्थ्य से जुड़ा है तो इसके लिए आपको अपने नगर पालिका या नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग से भी लाइसेंस लेना है। इतना काम करने के बाद आप किसी तरह के लीगल झंझट से मुक्त हो जाएंगे और निश्चित होकर अपना कामकाज कर सकेंगे। यदि आप अपने प्रोडक्ट को अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं कि आपके ब्रांड को दूसरा कोई कॉपी ना कर पाए तो आपको इसके लिए ट्रेडमार्क में रजिस्टर कराना होगा। कच्चा माल और मशीनें खरीदने के लिए प्लान बनाएं। वैसे जूस की दुकान चलाने के लिए किसी बड़ी मशीन की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी आपको जूसर यानी जूस निकालने वाली मशीन, रस को ठंडा करने वाली मशीन यानी रेफ्रिजरेटर, इसके अलावा रस को फ्लेवर देने वाले अन्य पदार्थ, चीनी, कलर, टेस्ट बदलने वाले टेस्टी फ्लेवर, इसके अलावा यदि आपको पैकिंग के ऑर्डर मिलने की संभावना हो तो आपको फिर थोड़ा खर्च करना होगा और कुछ और मशीनों को खरीदना होगा, जैसे खाली बोतलें, ढक्कन लगाने वाली मशीन आदि। अब आपको चाहिए कि आप कोई मशीनरी खरीदने से पहले आप मशीन बनाने वाली कंपनियों से कोटेशन मंगवाएं। उससे आपकी मनपसंद मशीन की मार्केट में वैल्यू मालूम हो जाएगी। कई कंपनीज के कोटेशन आने से आप सबसे पहले मशीन की क्वालिटी को परखें। इसके बाद आप उस मशीन के दाम देखें जो कंपनी मशीन के साथ कंपनी समय तक सर्विस वारंटी गारंटी देती है, तो उसी से आप मशीन खरीदने का फैसला करें। इसी तरह यदि आप स्वयं मार्केट में जाकर फल फ्रूट ला सकते हैं तो सबसे उत्तम है, वरना फल की थोक मंडी में किसी थोक विक्रेता से संपर्क कर लें और उसे ऑर्डर देकर अपना मनचाहा कच्चा माल मंगाने का ऑर्डर दे दें। इसके बाद आपकी भाग दौड़ और आपका समय बचेगा। आपको अपनी दुकान का शो बनाने के लिए अट्रैक्टिव काउंटर बनवाना होगा, एक बिलिंग मशीन भी खरीदनी होगी, साथ ही अपने कस्टमर को सुविधा देने के लिए टेबल और चेयर की व्यवस्था करनी होगी। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ अलग करना होगा। जूस के बिजनेस से कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ अलग करना होगा। त्योहारों और राष्ट्रीय पर्वों और महापुरुषों की जयंती के अवसर पर आपको अपनी दुकान की सजावट करनी होगी ताकि मार्केट में आपकी दुकान सबसे अलग दिख जाए और ऐसे काम करने से लोग आपको अच्छी नज़र से देखेंगे। इसके अलावा आप अपनी दुकान और उसके आसपास साफ सफाई की विशेष व्यवस्था रखें। साफ सफाई को देखकर कस्टमर आपकी दुकान में आना पसंद करेंगे। इसके अलावा आपकी दुकान में ग्राहकों को अपने मनपसंद ऑर्डर के लिए इंतजार ना करना पड़े, इसकी व्यवस्था करनी होगी। आमतौर पर देखा जाता है कि दुकानों में एक ही जूसर होता है। यदि एक साथ कई तरह के फ्लेवर वाले जूस खरीदने वाले कस्टमर आ जाते हैं तो दुकानदार को थोड़ी समस्या हो जाती है और वो सभी ग्राहकों को बारी बारी आने का इंतजार कहने के लिए उनकी खुशामद करता है। आपको ये मालूम नहीं है कि आपके कस्टमर के पास इंतजार करने का समय है या नहीं। यदि आपके पास समय नहीं हुआ तो हाथ आया कस्टमर चला जाएगा। इसके अलावा एक ही जूसर में अलग अलग तरह के जूस निकालने से नए जूस में पुराने जूस का स्वाद और महक आती है, इससे भी कस्टमर आपसे खुश नहीं होंगे। इसके लिए मार्केट में एक साथ कई तरह के जूस निकालने वाली मशीन आती हैं, उन्हें रखना होगा। इसका फायदा ये होगा कि आप बिना कोई देरी किए अपने कई ग्राहकों को उनकी मनपसंद का जूस आसानी से दे सकेंगे। जूस के बिजनेस में कितना मुनाफा मिल सकता है।
आपको जितना मुनाफा चाहिए आपको उतना ही बड़ा बिजनेस शुरू करना होगा। यह आपके बजट पर निर्भर करता है। इन सब के बावजूद एक जूस की दुकान से औसत मुनाफा कितना मिल सकता है, इस बारे में एक्सपर्ट का मानना है कि यदि आप सब कुछ ठीक ठाक तरीके से यानी अपने बनाए गए प्लान के मुताबिक बिजनेस करते हैं, सारी योजनाएं सही दिशा में चल रही हैं और फालतू का खर्चा नहीं है, तो आपके इस बिजनेस में 50% के आसपास मुनाफा मिल सकता है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इस मुनाफे में 10 से 5% की और बढ़ोतरी हो सकती है।